दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ आफरीन है और इनके साथ धोखा हो गया। इनके पति ने धोखे से इनको तलाक देकर इनकी ही भाभी के साथ शादी कर ली। इनका भैया है ये, देखिए। तो भाई के साथ भी धोखा हो गया, इनकी पत्नी ले ली, और इनके साथ भी धोखा हो गया कि इनको छोड़ दिया। अभी उम्र ज्यादा नहीं है, 20-22 साल की उम्र है। कितने साल हो गया शादी हुए? 2016 में हुआ था शादी। 2016 में शादी हुआ था, 6 साल हो गए। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, बच्चे के दो बच्चे भी हैं। दो बच्चों की लाइफ भी खराब हो गई और इनकी भी लाइफ खराब हो गई। अब इनसे जानकारी हासिल करें। भैया थोड़ा रुक जाना, गाड़ी या तो जाओ, आप जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आप इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आफरीन। कहाँ रहती हैं आप? मैं तो यहीं रहती हूँ। जब से कल लड़ाई वड़ाई हुआ तो मैं यहीं पे आकर रह रही। जब से मुझे मार पीट के निकाला गया वहाँ से, तो बच्चों को लेकर मैं निकाला गया घर से, मतलब ससुराल से मुझे निकाला गया। कहाँ है ससुराल? भटकल गाँव। भटकल गाँव में ससुराल है, और जहाँ हम खड़े हैं 3 नंबर कल्याणपुरी इसको बोलते हैं, यहाँ पर इनका मायका है। तो किससे शादी हुई थी आपकी भटकल में? निजाम से। निजाम से शादी हुई थी। अभी क्या दिक्कत आ गई आपको? छोड़ दिया उसने धोखे से, मतलब बच्चे दोनों अपने पास रख के नहीं, और धोखे से मुझे नहीं पता ये क्या करने वाला नहीं करने वाला, कागज अपने खुद से बना करके लाया और कहता कि बच्चे दोनों मेरे पास है, डिवोर्स कर दे, मैं तेरे बच्चों को फिर मेरा जो आएगा मैं वो कर दूंगा। तो मैंने बच्चे के पीछे, मेरे बच्चों को मुंह देखने के पीछे मुझे कोर्ट में ले गया। उसका क्या कागज था नहीं था, मुझे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। उसने साइन करवा लिया वहाँ पे धोखे से मेरे से। आपके घर से कोई नहीं गया? आपके माँ बाप भाई? किसी को कोई नहीं पता था वहाँ पे, ना किसी को कुछ नहीं पता था। अचानक मुझे वहाँ से गाड़ी में बैठा के ले गया, कह रहा दोनों बच्चे मेरे पास है, तू चल यहाँ से। 3-4 आदमी थे वहाँ पे और मैं अकेली थी। अच्छा। तो शादी किससे की उसने? शादी की है, मतलब मेरे भाई के साथ, जिस लड़की से उसने करी, मेरे भाई के साथ कोर्ट मैरिज हो रखा है। तो मेरे भाई को, मतलब आपका भाई ये है ना? हाँ। इधर आजा भैया, क्या नाम है? आमिर नाम है। आपकी पत्नी से उसने शादी कर ली? मेरी पत्नी से शादी कर ली। आपने डिवोर्स दिया अपनी पत्नी को? नहीं। कब शादी हुई थी आपकी? 4 महीना हो गया कोर्ट मैरिज किया था। 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया कोर्ट मैरिज की थी आपने? कोर्ट मैरिज। अच्छा। बस 15 दिन के बाद इनका निकाह था। तो उन लोगों को पता, मैरिज हो चुकी थी, निकाह नहीं हुआ था। उन लोगों को भी पता था कि जिस लड़की से करा है, जिनकी मतलब कोर्ट मैरिज हो, उन लोगों को पता है कि इन लोग दोनों के कोर्ट मैरिज हो रखा है। उन लोग सबको पता है कि कोर्ट मैरिज हो रखा, पर पता नहीं उन लोगों ने क्या बात हुआ नहीं हुआ, उन लोगों ने वहाँ 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने निकाह करके ले आया। उन लोग सबको पता था कि इन लोगों का कोर्ट मैरिज दोनों का हो रखा, और अब धमकी देता है कि हमने तो लिया, अब जो करना चाहे कर लो। 2 लाख में पैसा लेकर के आया हूँ, 2 लाख में दिया हूँ, 1 लाख में कैश देकर के आऊँ, और 1 लाख रुपया मैं अकाउंट में डालूंगा, ये बोला गया। तो कोई खर्चा पानी दिया? आपके दो बच्चे भी हैं, इतनी बड़ी जिंदगी। वो मुझे नहीं, मुझे पता नहीं था, वहाँ पे लिखा गया। मैं तो भैया, मैं तो पेटीएम चला रहे थे, नंबर मेरा सबके पास था। तो उसने कहा तू ले या, मतलब मैं तेरे अकाउंट में 2000 रुपये में डाल दे रहा हूँ। तो उसने अपना आप ही मेरे अकाउंट में 2000 रुपये डाल दिया है। सिर्फ 2000 में पूरा कर दिया काम है? हाँ, 2000 में। और अब मेरा सामान भी लिखा गया था उसमें, मेरा 1 पाव का चांदी था और सारा सामान था। अब वो कहता है कि मैंने जो लिखा मुझे से फर्क पड़ता, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। डिवोर्स देने के बाद अब कहता है कि मैं कुछ भी नहीं दूँ। एक तो क्या कहते, गलत फहमी में उन लोगों ने डिवोर्स दे दिया, और अब सामान के लिए बोलता है कि मैं सामान नहीं दूंगा, नहीं मेरे पास कोई चीज है नहीं है, मेरे पास जैसे शादी करके ले आऊँ, अब वो रहेगी, जो तुझे कर रहा जा तेरा भाई, और तेरे पे जो तेरे परिवार पे कर जा वो कर लो जा करके, नहीं हमें उससे कोई डर नहीं लगता। तो अभी आप क्या करोगे? पुलिस में जा रहे हो आप? हाँ, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। 3 नंबर पुलिस चौकी में कंप्लेन की बात ये लोग कर रहे थे। तो पुलिस में जाकर क्या मांग करेंगे आप? इंसाफ मांग करेंगे हम। तो इनकी जो वाइफ है, कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था इनकी वाइफ के साथ? अब ये पता नहीं है, क्योंकि बातचीत तो अब तक ये करती रही है, इससे बात करती रही। अब हमारा भैया को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। हाँ, उन लोगों में बात होता होगा, इतना मैं कह सकती हूँ कि उन लोगों में बात होता होगा, लेकिन मेरे भाई को और हम लोगों को इतना, मतलब कल रात को ही अचानक हमें पता चला, क्योंकि कल रात को ही वो लोग उतरा है वहाँ से लेकर के, तो हमें पता चल गया कि उन लोगों ने निकाह करके ले आया। तो लड़की कहाँ की थी? लड़की मेरी चाची की लड़की है, मतलब मेरी बहन ही है वो। यहीं आसपास की है लड़की? नहीं, बिहार की, वो बिहार गया था लेने के लिए। अच्छा, झारखंड ना, बिहार। तो आपको क्यों छोड़ा? आप भी तो गुड लुकिंग है, कोई कमी नहीं दिख रही आप में भी, क्यों तो छोड़ दिया? कलेश करता था कि मतलब इसको छोड़ दो, मैं दूसरा शादी करवाऊंगा। उन लोगों को पता नहीं था उन लोगों का दिल में क्या है। मारपीट करता था, सारा कागज है मेरे पास, कोर्ट में भी मेरा मारपीट करता था, सारा कागज है, कोर्ट में भी बात गया हुआ, महिला मंडल में बात गया हुआ, मारपीट करता था। कहता उसका घर में सभी कहता, उसका पापा वापा सभी कहता था इसको छोड़ दे, मैं तेरे को ऐसा घर जगह दिलवाऊंगा जहाँ तेरे को गाड़ी घोड़ा सब देगा, सोना चांदी तेरे को सब देगा।
तो आपके साथ मारपीट होती थी, आपने शिकायत कर दी होगी महिला मंडल? हाँ, महिला मंडल में शिकायत गया। लगा होगा इसको छोड़ देना उचित होगा। उचित होगा मतलब मारने पीटने को मेरे को धमकी दिया जा रहा था कि इसको गांव ले जाके हम मार के फेंक देंगे। तो हमने उन लोगों बात को मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन ली हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को लेकर जैसे मैं अपने घर आने वाली थी, तो उन लोगों ने 3 दिन तक मुझे गेट कमरे में बंद करके उन लोगों 3 दिन तक मुझे मारा है। अच्छा, फिर 3 दिन तक मारा? 3 दिन गेट लगा करके मुझे मारा। फिर किसने मारा है? घर वाला था और उसका जीजा था और उसकी बहन थी। तो आपने अपने ससुर जी से शिकायत नहीं की? ससुर जी यहाँ पे रहता नहीं, ससुर रहता गाँव में। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम है कमरू। कमरू नाम है। तो आप लोग देख रहे हैं परेशान हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 22 साल हुए। शादी तो मुझे लगता है नाबालिग एज में हो गई थी, 16 साल में शादी। तो आप लोग देख रहे हैं शादी पहले हो गई थी, 2 बच्चे भी हैं। ये एक बच्चा है, ये भी है? नहीं, वो ना। अच्छा, ये बच्चा है, एक लड़की भी है? लड़की बोली नाजिया। अच्छा, एक लड़की है और एक लड़का है और सिर्फ 22 साल की उम्र है। आप लोग सोच सकते हैं अभी तो कोई उम्र नहीं है इनकी है। 22 नहीं, साल कोई उम्र, मैं इसकी बुआ हूँ। यहाँ तो जो 25 साल में लड़कियाँ आजकल शादी कर रही हैं और 22 साल में इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो लोग भी ही जल्दी कर रहा था, मतलब हमारे सगाई होने के बाद हमारे घर में बोल रहा था कि हम टाइम लेंगे 1 साल के बाद। फिर वो लोगों ने मतलब एक भरोसा होता ना सब कुछ, तो उन लोगों ने बहुत भरोसा करवाया था कि नहीं हमारे घर में करने वाला नहीं, मेरी मम्मी बीमार रहती है ऐसे। तो हम लोगों ने भरोसा करके हमारे परिवार वाले ने कि पास पड़ोस में मतलब सामने गाँव में लोकल में हम करवा देते हैं। अब 2 साल के बाद फिर ये बात हो गया है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इनकी लाइफ तो खराब हो गई। खराब हो गई है इसको, आप है? लोग आप इस तरह छोड़ दिया गया इनको? हाँ जी, ये कैसे तो होगा हुआ ना? इनका तो इस तरह तो गलत होता है ना, फैसले अच्छा से करवा दीजिए आप लोग। मीडिया वाला तो इसलिए बुलाया गया कि हम फैसले ही तो करवाने के लिए, कागज भी कोर्ट मरीज के कागज है, लड़का के। 2 बच्चे भी तो हैं, 2 बच्चे हैं। 2000 रुपए से क्या होता है सर, ये बताइए। किराए पे रहेगी भी, छोड़ना होता वो दूसरा करेगी, जब भी तो उसको सब कुछ करेगा, उसको कुछ तभी हुआ नहीं, कहीं से बैठी तो नहीं है वो। तो उनके लिए भी आप लोग कुछ सुलह निकाल दीजिए, कोशिश करें। देखिए, पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हैं, और क्योंकि अगर उन्होंने प्रोसीजर के तहत डिवोर्स नहीं दिया होगा, कोर्ट में अपील डालनी पड़ती है तलाक की, दोनों का राजीनामा होना चाहिए। अब पता नहीं कौन से पेपरों पे इनके साइन कराए हैं, इन्होंने ये पढ़ी नहीं है उसको ध्यान से। पढ़ी नहीं है, हाँ, लोगों ने कागज कोई कागज है आपके पास? पढ़ी भी नहीं हूँ मैं, इन लोगों ने अपना आप ही कागज बनाया। मैं क्या कागज है इसमें, एक मिनट देख, शपथ एफिडेविट है। मैं अंबर परवीन, पुत्री मोहम्मद मुख्तार, पत्नी मोहम्मद निजाम खान, निवासी पीएस गिरीज, सबाना रोड, झारखंड। मोहम्मद निजाम खान पुत्र कमरुद्दीन, निवासी मकान नंबर 210, गांव भड़कल, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूं। अब इसमें क्या लिखा है, दोनों पक्षों के बीच 2 बच्चे, 1 बेटा आसिफ खान उम्र 6 वर्ष है व 1 बेटी नाजिया जिसकी उम्र 3 साल है, कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त बच्चों के लिए 2000 रुपये प्रति माह केवल 10 साल तक अदा करेगा व बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए एडमिशन प्रतिवर्ष कराएगा। यानी कि आपको जो है 2000 रुपया मिलेगा हर महीने 10 साल तक, 2000 रुपया मिलेगा 10 साल तक पढ़ाने के लिए बच्चों को, ये समझौता हुआ है। और निजाम खान अंबर परवीन को 1 पाव चांदी, इसके अलावा 1 अलमारी, बेड, सोफा व इससे सामान, फ्रिज, जो कि अंबर परवीन को सौंपने का जिम्मेदार होगा। ठीक है जी, 1 पाव चांदी मिलेगी, अलमारी, बेड, सोफा मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। उपरोक्त दोनों पक्ष आज के बाद अपनी अपनी शादी जहां भी चाहें कर सकेंगे, जिसकी बाबत उपरोक्त अंबर परवीन को मोहम्मद निजाम खान के खिलाफ या मोहम्मद निजाम को अंबर परवीन के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का हक नहीं होगा। आप कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने लिखवाई नहीं, या किसके अलावा जो इकरारनामा तहरीर करके दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें जो मेहर आदि का जिक्र किया गया है वह नहीं दिया गया है, वह गलत तहरीर किया है। यह कि आज के बाद दोनों बच्चे, 1 बेटा आसिफ खान उम्र 6 वर्ष है व 1 बेटी नाजिया जिसकी उम्र 3 साल को हर प्रकार से अब उपरोक्त अंबर परवीन ही अपने पास रखेगी, वह चाहे वह किसी के पास भी रहे, मोहम्मद निजाम खान को कोई भी एतराज करने का हक नहीं होगा। यह है कि आज के बाद दोनों पक्षों ने यह शपथ पत्र बाबत तलाक के तहरीर किया है कि अब हमारा दोनों का तलाक हो गया है, जिसके लिए हम उपरोक्त लिखित शर्तों पर कायम रखेंगे। देखिए, ये एफिडेविट बनाया है, आप दोनों के बीच बना है, जिसमें लिखा गया है कि जो भी चीजें लिखी गई वो आपको दी जाएंगी। आप कोई कानूनी कार्रवाई वो बनवाया है, लेकिन एफिडेविट है। अगर आपको लगता है कि आपकी मर्जी से, बगैर मर्जी से साइन हुए हैं, तो आप इसको चैलेंज दे सकते हो, पुलिस में शिकायत दे सकते हो और कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। एक अच्छा वकील आप जरूर करना, वही आपको न्याय दिलाएगा।
ठीक है ठीक है। बाकी पुलिस में आप जो भी शिकायत देंगे, जो भी अपडेट होगा बताया जाएगी। भैया क्या कर सक, क्या कह रहे हैं आप? देखो 22 साल की उम्र है, एक बेटा है। इसमें साइन या वो तो करे होंगे, वो तो पहले करके लेकर के आए हैं। तेरे साइन हुए हैं? मेरे तो साइन हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, साइड हो जाओ कैमरामैन, जाने दो इनको। तो देख रहे हैं पूरे गली वाले यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकतर लोगों का कहना है कि इनके साथ आफरीन के साथ गलत हुआ है। कोई नहीं था, चार-पांच आदमी था। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई हैं कि आप कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। हाँ, आप जो वो देंगे 2000 रुपए महीना 10 साल तक, वही आपको मिलेगा। बाकी आप कहीं भी शादी कर सकते हो, कहीं भी किसी के पास भी आप रह सकते हो, इसमें ये बातें भी लिखी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई धोखा भी हो सकता है। अब इनको पता नहीं कि एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। पढ़ी लिखी है कि नहीं? कुछ नहीं पढ़ी लिखी नहीं हुई। तो इसका फायदा उठाया, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ नहीं सकती है। एफिडेविट में क्या लिखा था इन्होंने पढ़ा नहीं, इनको पता नहीं था क्या होने वाला है, और इन्होंने साइन कर दिया या करवा दिया जबरदस्ती करवाया गया मुझसे। नहीं, हाथ पकड़ के नहीं साइन करवाया? नहीं, वो तो हाथ पकड़ के साइन नहीं करा, लेकिन बच्चों का मतलब उसने रख के करवाया साइन। तो आप लोग देख रहे हैं, तो आपके माँ बाप भी हैं? मेरी मम्मी पापा यहाँ नहीं है, गाँव में। अच्छा, यहाँ भाई ही रहता है? बस भाई रहते हैं। भाई की पत्नी भी छीन ली एक तरह से? हाँ। तो दो ही लोग बचे हो आप? तो आप लोग देख रहे हैं परेशान हैं, और हमें इन्होंने अपनी परेशानी बताई और बोले हम शिकायत करने जा रहे हैं 3 नंबर पुलिस चौकी में और न्याय मांगेंगे। सारे परिवार है, ये सारे हमारे परिवार है। पर हाँ, बुआ है, परिवार है, पता है मुझे। इन लोगों किसी को पता नहीं था, और मेरी बहन बहन भी रहती है। आपको बताना चाहिए था ना मेरे साथ ऐसे कुछ। तो मुझे अचानक ही तो ले गए थे वहाँ से, उठा करके नहीं, उठा के ले गए, मतलब गाड़ी में बैठा के ले गए थे। बच्चों के कह रहे बच्चा मेरे पास है आज भाई, मैं जो बच्चे के पीछे तो मुझे जाना पड़ गया, क्योंकि उन लोगों का तरीका मुझे पता था ना। अब उन लोगों ने ऐसा करके 3 दिन के बाद तो शादी करके ले आया, शादी कर लिया घरवाली से। इनकी घरवाली से, ये इसका भाई है, भाई की घरवाली से शादी कर ली। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए न्यूज दिखाने का मतलब यही है कि एक जागरूकता भी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कागज पर साइन कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी आजकल बहुत तरह के धोखे हो रहे हैं, तो धोखों से बच कर रहे हैं, वरना आपको आफरीन की तरह परेशान होना पड़ेगा। अब 2 बच्चे भी हैं और इनकी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, सिर्फ 22 साल की उम्र बता रही हैं, और आज ये बीच सड़क पर खड़ी हैं, बिल्कुल परेशान हैं, कोई है नहीं जो इनका साथ दे सके। मीडिया में इन्होंने अपनी आवाज उठाई है, बाकी पुलिस में जा रही है, देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।